नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में अब सफर और भी आसान बनने जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को मिलने जा रही हैं 5000 इलेक्ट्रिक बसें, जिससे लोग सफर कर सकेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार परिवहन निगम की बसों को इलेक्ट्रिक बसों से रिप्लेस करने की योजना पर काम कर रही है। 5000 इलेक्ट्रिक बसों की 14 जून यानी आज टेंडर प्रक्रिया पूरी होने जा रही है। प्रदेश को प्रदूषण रहे 5000 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात जल्द मिलने जा रही है। पहले चरण में प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद जैसे क्षेत्रों से जुड़े जनपदों के बीच लगभग 200 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इलेक्ट्रिक बसों के चलने से यात्रियों को यात्रा करने में पहले से ज्यादा सुविधाएं होंगी और पर्यावरण को भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। प्रयागराज से करीबी जनपद जैसे बनारस, कानपुर, विंध्याचल धाम, चित्रकूट, अयोध्या, लखनऊ को जोड़ा जाएगा। इसी तरह आगरा और गाजियाबाद रीजन के करीबी जनपदों को भी इलेक्ट्रिक बसों से जोड़ा जाएगा। इलेक्ट्रिक बसें अनुबंध के आधार पर चलाई जाएंगी। बसों पर रखे जाने वाले चालक बस मालिक ही रखेंगे। इसके अलावा परिचालक वाहन मालिक स्वयं भी रख सकते हैं या UPSRTC भी उपलब्ध कराएगी। इलेक्ट्रिक बसों का किराया वर्तमान में चल रही 3 और 2 सीटर और AC बसों के बराबर ही होगा। चार्जिंग स्टेशन के लिए भूमि और विद्युत कनेक्शन परिवहन निगम उपलब्ध कराएगी। परिवहन निगम के डिपो में यह व्यवस्था उपलब्ध होगी। इन बसों का 12 वर्षों तक मेंटेनेंस वाहन स्वामी स्वयं करेंगे। इसके अलावा ड्राइवर की ट्रेनिंग की व्यवस्था भी वाहन स्वामियों को ही करनी होगी। रिपोर्ट ऋतु झा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।